वॉचिंग मी ऑन लॉग ऑन टू गौरव। इस वीडियो में एज अ टाइटल सेज हम जानेंगे गुलमर्ग गोंडोला के बारे में, ये कैसे काम करता है, क्या कॉस्ट है इसकी, इसकी बुकिंग कहाँ से करानी है और इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा इन द रिसेंट ट्रिप दैट आई मेड इन जनवरी 2023। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गुलमर्ग गोंडोला बेसिकली एक चेयर कार है जो कि आपको गुलमर्ग से, गुलमर्ग का जो माउंटेन है जिसको माउंट पर्वत कहते हैं, वहां तक ले जाती है। वेदर आप टूरिस्ट हो, स्कीयर्स हो या स्नो बोर्डर हो, इसका यूज आप करेंगे ही, बिकॉज फॉर टूरिस्ट ये आपको टॉप ऑफ द माउंटेन ले जाती है जहां से आपको बहुत ही शानदार व्यूज दिखते हैं, आपको बाकी हिमालय रेंज दिखती है और पूरी गुलमर्ग की वाइब आती है कि गुलमर्ग बेसिकली है कहाँ। और अगर आप स्नो बोर्डिंग करते हैं तो टॉप ऑफ द माउंटेन जाने का और भी खास रीजन है कि आप वहां से स्नोबोर्डिंग करते हुए नीचे आ सकते हैं। तो आप जो भी हो, आप एक कपल ट्रिप प्लान कर रहे हो या फिर एक एडवेंचर ट्रिप प्लान कर रहे हो, आपको गुलमर्ग गोंडोला का यूज करना ही पड़ेगा। तो दिस वीडियो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बेसिकली एक केबल चेयर कार है जो कि स्टार्ट होती है गुलमर्ग से और इसमें कुल चार स्टॉप है। फर्स्ट इज ऑब्वियसली गुलमर्ग, देन कम्स कंडूर और फेज वन, थर्ड वन इज मेरी शोल्डर, and then last is phase 2, that is top of the mountain। Gulmarg Gondola दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, cable car which are the closed cabin compartment and second one is chairlift which are open and which is used by snowboarders and skiers। So let's understand the structure of Gulmarg Gondola। It starts from Gulmarg, then Gondola, that is the closed cabin car, goes up to the phase 1, also known as Kandur। From phase 1 you have two options, first a chairlift goes to Mary Shoulder and second a gondola which goes to phase 2। All these rides are of from 12 to 15 minutes। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मेरी शोल्डर क्या है। मेरी शोल्डर एक्चुअली फेज 1 और फेज 2 के बीच का एक पॉइंट है जहाँ पे टूरिस्ट अलाउड नहीं है नॉर्मल, बट वहाँ पे स्नोबोर्डर्स और स्कीयर्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा स्नोबोर्डिंग के बारे में बताता हूँ। स्नोबोर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट करते हैं बिगनर स्लोप पे, विच आर इन गुलमर्ग ओनली। बिगनर स्लोप्स होते हैं, बेबी स्लोप्स भी कहते हैं। When you learn a little bit, you go to phase 1. From phase 1, you come back down to Gulmarg, snowboarding करते हुए। When you improve a little bit more, तब आप जाते हैं मेरी शोल्डर, जहां से आप आते हैं phase 1. तो actually मेरी शोल्डर से phase 1 तक का जो run है snowboarding का, that is around 2.5 kilometers. फिर आप अगर बहुत ही pro level के snowboarder है, skier बन चुके हैं, then you start snowboarding from phase 2 and then come down all the way to phase 1. So Mary Shoulder basically wo point hai jo aapko intermediate level ka snowboarding ya skiing ka option provide karta hai। Now let's come back to Gulmarg Gondola। Agar aap tourist hain to aapko one time ka two way tickets milta hai, yani ki aap upward aur downward dono journey gondola mein baith ke hi karenge। Aur agar aap tourist hain to aapke liye chairlift available nahi hai, to aapko gondola hi use karna padega। But agar aap skier ya snowboarder hain तो आपको मल्टीपल टाइम्स का टिकट मिलता है, बेसिकली उसको आप पास कहते हैं, बट ये टिकट होता है वन वे, यानी कि आप गोंडोला में बैठ के ऊपर जा सकते हैं लेकिन नीचे आपको स्नोबोर्डिंग करते हुए ही आना पड़ेगा। आप फेज वन से चेयरलिफ्ट या फिर गोंडोला दोनों का यूज कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली गुलमर्ग से फेज वन एक ही चीज अवेलेबल है गोंडोला, तो आपको गोंडोला में ही बैठ के आना पड़ता है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप स्नोबोर्ड लेके ऊपर जाते हैं बट फॉर सम रीजन आप वापस नहीं आ पाते हैं स्नोबोर्डिंग करते, देन आपके लिए व्हाट इज द ऑप्शन फॉर दैट, स्टिक टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो आइए गोंडोला की कॉस्ट की बात कर लेते हैं। यू हैव टू बुक थ्रू वेबसाइट एंड द ओनली मोड इज ऑनलाइन मोड, और इसकी वेबसाइट है www.jammukashmircablecar.com। इस वेबसाइट पर जाके आपको एडवांस में ऑनलाइन टिकट करानी होती है। गोंडोला की टाइमिंग होती है सुबह 9 से 3:30 बजे तक, बट टूरिस्ट के लिए स्लॉट्स में काम करता है। तो 9 से 3:30 का समय बेसिकली तीन स्लॉट में डिवाइडेड है, आपको अपना स्लॉट पहले से चूज करना पड़ता है और उसी स्लॉट में आप ट्रैवल कर सकते हैं। टूरिस्ट को टू वे टिकट्स इशूड होता है, मतलब आपकी अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी दोनों ही गोंडोला में आप करने के लिए एलिजिबल है। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो गुलमर्ग से फेज 1 का टिकट का कॉस्ट है 740 रुपए और फेज 1 से फेज 2 के टिकट का कॉस्ट है 950 रुपए। तो अगर आप गुलमर्ग से फेज 2 तक जाना चाहते हैं तो आपको दोनों टिकट लेने पड़ेंगे और आपकी टोटल कॉस्ट होगी 1690 रुपए। स्कीयर्स एंड स्नोबोर्डर्स के लिए बात करें अगर, तो उनके लिए ऑफलाइन बुकिंग ही होती है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर ऑनलाइन बुकिंग। सो एक्चुअली एक काउंटर है जिसके थ्रू आपको ये डे पासेस लेने पड़ते हैं। तो इस काउंटर के बाहर कहीं बोर्ड नहीं लगा है कि ये यहाँ से आपको डे पासेस मिलते हैं। तो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव पुट द एग्जैक्ट लैट लॉन्ग ऑफ दिस प्लेस, सेव इट ऑन योर मैप एंड व्हेनेवर यू आर गुलमर्ग एंड यू नीड अ पासेस, गो टू दिस पॉइंट एंड गेट देम। स्कीयर्स एंड स्नोबोर्डर्स के लिए भी टाइमिंग 9 से 3:30 का होता है, बट इसमें स्लॉट्स नहीं होता, आप कभी भी जा सकते हैं और स्नोबोर्डिंग कर सकते हैं। पर जैसा कि मैंने बताया, आपके लिए सिर्फ वन वे पास इशूड होता है, मतलब आप सिर्फ अपवर्ड जर्नी कर सकते हैं, डाउनवर्ड जर्नी आपको स्नोबोर्डिंग या स्कीइंग करते हुए ही आना पड़ेगा। मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हैं
And if the reason is genuine, like you are injured or you're not feeling confident enough ki aap snowboarding karte aa sakte hain, then as a special case, they allow you to come back on the gondola. But agar aap chairlift leke aap marry shoulder tak gaye, then there is no option. You have to come down by snowboard only because chairlift mein aap टॉप से बैठ नहीं सकते, देयर इज नो प्रोविजन फॉर दैट. तो धीरे 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 आप आ जाइए नीचे. एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट व्हेन यू हैव लर्न क्वाइट वेल देन ओनली यू गो टू चेयरलिफ्ट. स्कीयर्स एंड स्नोबोर्डर्स के लिए वीकली और सीजनल पासेस का भी ऑप्शन है, बट आई थिंक इन माई ओपिनियन इट इज नॉट दैट बेनिफिशियल बिकॉज अगर मान लीजिए वीकली पास ले लेते हैं और किसी कारणवश गोंडोला बंद हो जाता है, जैसे कि एक्सट्रीम तूफान और बैड वेदर, then आपका टिकट उस दिन का वेस्ट हो जाएगा बिकॉज द फेज टू विल बी क्लोज ऑन दैट डे. बाय द वे आई विल टेल यू वन थिंग, गुलमर्ग गोंडोला 365 दिन ऑपरेशन में रहता है. देर इज नो ऑफ और देर इज नो पब्लिक हॉलीडे फॉर गुलमर्ग गोंडोला. सो आप अपनी ट्रिप कभी भी प्लान कर सकते हैं. अगर हम कॉस्ट की बात करें तो गुलमर्ग से फेज वन तक के डे पासिस का कॉस्ट होता है 740 rupees, और गुलमर्ग से मैरी शोल्डर या फिर फेज टू तक का डे पास अगर आप लेते हैं तो आपको पड़ेगा 1210 rupees का. तो ये कॉस्ट वाइज काफी एडवांटेजेस लगता है मुझे बिकॉज ये आपको ऑप्शन देता है कि आप मैरी शोल्डर या फेज टू तक भी जा सकते हैं. अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके लिए रश तो थ्रू आउट डे सेम रहेगा, बट अगर आप स्कीयर और स्नोबोर्डर हैं तो इट्स एडवाइजेबल कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे ही गोंडोला स्टार्ट होता है अराउंड 9 AM, आप वहां पहुंच जाइए. अगर आप 9 बजे पहुंचते हैं तो आप मक्खन की तरह फेज वन तक पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रश नहीं मिलेगा आपको. बट अगर आप फेज वन करते हुए नीचे आते हैं और 10 बज जाते हैं या 11 बज जाते हैं, then you are going to get this much of rush. So that was all guys about Gulmarg Gondola. It is very important thing in Gulmarg. So please take the screenshot of everything I've shown. Keep it, save it in your phone, share among your team and act accordingly. I hope you like this video. मैंने इस वीडियो में काफी मेहनत की है ताकि आपकी ट्रिप आरामदायक हो सके नेक्स्ट टाइम जब आप गुलमर्ग जा रहे हो. तो प्लीज consider liking the video if you really like it and share it among the friends which might find it useful. If you are new to the channel, I'll suggest you that you explore other videos of the channel which I made on a lot of places in India. I've explained the travel itinerary. There are vlogs, there are cinematic videos, there are like fun videos. So I'll suggest you explore the channel. And if you really like my content, please consider subscribing it. It will really help me a lot. मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बनाते रहूँगा. मैं अपने ट्रिप से जुड़े एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपकी ट्रिप आसानी से गुजरे, आप कुछ मिस ना कर दें, आपसे कोई गलती ना हो. So please subscribe my channel and keep watching my content. Thank you so much. Hello guys, this is Gaurav Dwivedi. Welcome to my channel.